Hello students, so today we are going to start a new topic, that is reading. As you know, there are four skills of English, that is reading, writing, listening and speaking. So we are going to work on our reading skills. So what is reading? First of all, we should know. Keval reading padhna hi nahi hota hai. Reading ka matlab kya hai? It is an active process of constructing meanings of words. Jisme hum meaning bhi samjhe. Reading with a purpose helps reader to direct information towards a goal and focus their attention. जब भी हम reading करेंगे तो हमको reading करते समय अपना पूरा direct उसमें से क्या information मिल रही है और हमारा goal क्या है उसकी तरफ जाना है और अपना पूरा attention उस पर focus करना है. Although the reasons for reading may vary, अलग अलग कारण होते हैं, लोग अलग अलग कारणों से पढ़ते हैं. कोई enjoyment के लिए पढ़ता है, कोई exam के लिए पढ़ता है, कोई answers देने के लिए पढ़ता है, कोई ऐसे ही कैजुअल रीडिंग करता है, ठीक है ना. लेकिन द प्राइमरी पर्पस ऑफ रीडिंग इज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. तो जो जैसे ये लिखा हुआ है अगर आप इसको पढ़ के समझ पा रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस यही है. तो एक थिंकिंग प्रोसेस है. जब आप रीड करते हैं तो आप थिंक करते हैं साथ साथ में, ठीक है. रीडिंग रिक्वायर्स वन टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स इन अ फ्लूइड मैनर. रीडिंग जो है वो जरूरी उसके लिए है कि आप आइडेंटिफाई कर पहचान पाए और वर्ड्स को आप एक लय में एक उसमें समझ पाए. इट इज अ डिटेल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है रीडिंग, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड रिकॉग्निशन, एंगेजमेंट और फ्लुएंसी चारों चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, आपके वर्ड रिकॉग्निशन को, कि वर्ड्स को पहचानना और एंगेजमेंट कैसे आप अपने आप को इंगेज कर रहे हैं उसमें, कैसे आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं. फ्लुएंसी, रीडिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए तभी आप ये रीडिंग को अच्छे से कर सकते हैं. रीडिंग प्रोसेस को मैंने तीन भागों में बांटा है, एक प्री रीडिंग, एक ड्यूरिंग रीडिंग और आफ्टर रीडिंग. कैसे कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप शब्दों को पहचानते हैं, ठीक है. लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, जब आप शब्दों को पहचानेंगे, शब्दों को समझेंगे तभी तो आप उसके मीनिंग को समझेंगे. एक रिसर्च कहती है कि रीडिंग इज अ प्रोसेस दैट नेगोशिएट द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स रीडर. तो ये एक नेगोशिएशन है, यानी एक आपके बीच में समझौता है टेक्स्ट के बीच में, यानी जो आप पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने वाला है. इसमें तीन प्रोसेसेस मेन है. प्री रीडिंग में क्या है, ये आपको एक्टिवेट करती है बैकग्राउंड नॉलेज. जैसे आपने एक टॉपिक देखा, जैसे आपने देखा द बर्नड हाउस, तब आप जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई हाउस के बारे में जो जल चुका है, तो ये आपके एक बैकग्राउंड नॉलेज बताएगी. तो आपने उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो सब चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी आपके दिमाग में. आप टेक्स्ट को प्रीव्यू करेंगे, है ना, और डेवलप और पर्पस भी आपको पता लगेगा. दूसरा ड्यूरिंग रीडिंग क्या है, जब आप पढ़ते हैं तो आप प्रिडिक्शंस करते हैं, यानी कि आप आगे सोचते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा, और फिर जैसे जैसे आप पढ़ते हैं उस चीज को कन्फर्म करते हैं या रिवाइज करते हैं. और आफ्टर रीडिंग क्या होता है, जब आप पढ़ चुके होते हैं तो आप उस कहानी को, जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको रिटेल कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो बच्चों ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग और आफ्टर रीडिंग. जैसा कि पहले ही बताया गया कि रीडिंग ओके. अब थ्री क्विंट एसेंशियल्स रीडिंग स्ट्रेटेजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग की स्ट्रेटेजीज हैं. अगर आप रीड कर रहे हैं तो आपको ये तीन स्ट्रेटेजीज को अपनाना चाहिए. जैसे स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि स्कैन कर लो, कोई पिक्चर को स्कैन करते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्कैन कर रहे हैं, यानी कि छटनी करना एक तरह से, है ना. जब कोई आप स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें जल्दी जल्दी स्कैनिंग करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है ना, वो इंफॉर्मेशन पे आपका ध्यान रहता है. जैसे कि आपने सपोज कोई नोटिस देखा तो आपको ये देखना है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो आपका पूरा ध्यान उस पर स्कैनिंग में है कि अच्छा इसमें कहाँ लिखा है लास्ट डेट, अच्छा ये लिखा है लास्ट डेट, आपकी स्कैनिंग हो गई, ठीक है. तो ये तो हो गई स्कैनिंग. स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग जो है वो भी स्कैनिंग का ही तरह है लेकिन क्विक टाइप ऑफ रीडिंग है. थोड़ा सा इसमें क्या अंतर है कि इसमें हम मेन पॉइंट्स को लर्न करते हैं, ठीक है. जो बहुत लंबा चौड़ा है तो उसमें हम जाके मेन पॉइंट्स को लर्न करते हैं. जैसे कि वो कहता है ही मोस्ट स्ट्रेटफॉरवर्ड वे टू स्किम अ पैसेज इज टू रीड द एंटायर फर्स्ट पैराग्राफ, द एंटायर लास्ट पैराग्राफ एंड रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच एडिशनल पैराग्राफ. अगर कोई बहुत लंबा आपको पैराग्राफ आ गया है कॉम्प्रिहेंशन के लिए या रीडिंग के लिए, तो पहले आप शुरू का पढ़िए, लास्ट वाला पढ़िए और बीच में हर पैराग्राफ की शुरू की लाइन पढ़िए, तो
आप एक तरह से स्किमिंग कर लेंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें इसमें लिखी हैं। ये 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए जो एग्जाम्स के लिए जाते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन उनको रीड करने पड़ते हैं और टाइम बहुत कम होता है, तो इसमें आपको ये स्किमिंग और स्कैनिंग वाली जो स्ट्रेटेजीज हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और रीडिंग फॉर डिटेल, तीसरा जो हमारा है वो स्लो रीडिंग प्रोसेस है, जो जो छोटे बच्चों के लिए मेनली होता है कि स्लो रीडिंग करना, धीरे धीरे पढ़िए, हर सेंटेंस को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। और लेकिन आपको उसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप रीडिंग फॉर डिटेल कर रहे हैं तो हर शब्द का मीनिंग आपको आए ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए जब आपको एग्जाम में कोई कॉम्प्रिहेंशन आता है तो वो इतना सिंपल भी नहीं आएगा कि आप उसको आराम से एक एक चीज को समझेंगे, उसमें कुछ शब्द होंगे जो आपके लेवल से हाई दिए जाएंगे, तो उन वर्ड्स के मीनिंग हमको अंदाज लगा के पढ़ने हैं। तो यही हम इसमें सीखेंगे। आज जो हमारा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का वो यही है कि हम स्ट्रेटेजीज ऑफ रीडिंग जो है उनको सीखें, स्कैनिंग, स्किमिंग और रीडिंग फॉर डिटेल। और भी आगे एक ये रीडिंग टेक्निक है जो मैं अपने बच्चों को बहुत बताती हूँ और ये बहुत बच्चों को फायदेमंद भी है कि आप WH क्वेश्चंस दिमाग में रखते हुए रीडिंग करिए, कि जैसे हु, कौन लिख रहा है, ये कौन कर रहा है, व्हाट क्या है, क्यों करा जा रहा है, व्हेन कब हो रहा है, वेयर कहाँ पे हो रहा है, जगह कहाँ है, लोकेशन क्या है, वाई क्यों कर रहा है। तो अगर आप जब रीडिंग करते हैं और इन क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में रखे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी रीडिंग का पैराग्राफ समझ में आएगा और आप आसानी से उसमें जो पर्पस है आपकी रीडिंग करने का, एग्जाम देना है, आंसर लिखने हैं, क्विज सॉल्व करनी है, वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, तो आप उसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। फिर देखो अब रीडिंग के जो टाइप्स हैं वो दो और इम्पोर्टेंट बहुत टाइप्स होते हैं, जो एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। अब बच्चों एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है ये इंजॉय करने के लिए लोग पढ़ते हैं, जैसे बड़ी बड़ी नॉवेल्स को पढ़ते हैं ना, ये सब एक्सटेंसिव रीडिंग में होता है। तो ये कि इसमें एक्चुअली रीडिंग रेदर देन एग्जामिनिंग टेस्ट बाय स्टडिंग द वोकैबुलरी, तो इसमें हमारा एग्जामिनिंग टेस्ट और वोकैबुलरी को पढ़ना, ग्रामर को, फ्रेजेस को, इस सब पे नहीं होता है फोकस हमारा। मेन फोकस इसमें क्या है, दे रीड वेरी स्लोली, इंजॉय द बुक्स टू बिल्ड देयर रीडिंग फास्ट एंड फ्लुएंसी, तो ये फास्ट और फ्लुएंट रीडिंग पढ़ने के लिए काम में आती है। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है, आपकी स्पीड और रीडिंग फ्लुएंसी, फ्लुएंसी माने एक लगातार जो रफ्तार बनती है वो रहती है, फॉर प्लेजर होता है ये एक्सटेंसिव रीडिंग। दूसरी हमारी है वो इंटेंसिव। ये इंटेंसिव ज्यादातर पैसेज इसमें छोटे होते हैं और आपको बहुत फोकस होकर पढ़ना पड़ता है, जैसे जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं ना, घूम घूम के एक एक शब्द बताते हैं, वो हमारी इंटेंसिव रीडिंग है, जिसमें एक एक मीनिंग बताया जा रहा है, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर के लिए चेक करना है, ग्रामर चेक करनी है, वोकैबुलरी चेक करनी है ना। तो इस लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसमें आपकी स्पीड फ्लुएंसी नहीं बन पाती, जो बच्चे रीड स्लोली करते हैं, कई बच्चे लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को बोरिंग लगता है, सबको अपने अपने लेवल से अलग लगता है इंटेंसिव रीडिंग। तो हम लोग जो ज्यादातर क्लासेस में हमारे जो टीचिंग होती है वो इंटेंसिव रीडिंग की होती है। अब आप देखिए टिप्स फॉर रीडिंग, अगर आप अच्छे रीडर बनना चाहते हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शंस, तो आप बहुत ध्यान से रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए कि उसमें लिख क्या रहा है। कोई एग्जाम आप देखने जा रहे हैं, कोई एग्जाम करने जा रहे हैं और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ तो लो। कई बार बिना पढ़े ही उसमें लिखा रहता है टिक करिए, आप उसमें यस नो लिख देते हैं, कहीं पे लिखा था ट्रू एंड फॉल्स बताइए तो आप टिक लगा जाते हैं। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। फिर इट इज ओके नॉट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड इन द पैसेज, अगर आपको पैसेज हमारे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा ही। प्रैक्टिस रीडिंग एंड नो एग्जाम फॉर्मेट, रीडिंग की प्रैक्टिस करिए और एग्जाम के फॉर्मेट को समझिए कि आपके एग्जाम में किस तरह से रीडिंग को एवेल्युएट किया जाएगा। डोंट पैनिक व्हेन यू सी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, कई बार बहुत एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ जाते हैं बड़े बच्चों में, 11th 12th क्लास में भी, कई बार 8th में भी आ जाते हैं टॉपिक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो भाववाचक, जिनमें भाव ही भाव है, तो ऐसे उनको देख के पैनिक मत करो। टाइमिंग, इसकी टाइमिंग पे बहुत ध्यान देना है, ये नहीं कि आपने 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे आपने कॉम्प्रिहेंशन में ही एक एक चीज समझने में निकाल दिया। ट्रांसफर या आंसर्स करेक्टली, अपने आंसर्स को ट्रांसफर करेक्ट करो। आंसर एवरी क्वेश्चन, लुक एट द टास्क और क्वेश्चन फर्स्ट, ये मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी रीडिंग करने से पहले अगर उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, कोई एक्सरसाइजेस दी हुई है, उनको पहले पढ़ लो। क्यों? इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या, जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, उनको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है और वोकैबुलरी तो इम्पोर्टेंट है ही।
अब देखो स्ट्रेटेजीज में अब आपको मैंने पूरा इसमें ESL स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिव्यू ईच पैराग्राफ आफ्टर रीडिंग इट. इफ यू आर कंफ्यूज फाइंड द टॉपिक सेंटेंस अगेन. आप टॉपिक को रिव्यू करिए, पढ़ने के बाद उसको एक बार रिव्यू करिए, इसको समझिए कि क्या है. अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो टॉपिक सेंटेंस को दोबारा, जो टॉपिक दिया उसको पढ़िए. लुक फॉर ट्रांजिशनल वर्ड्स फ्रेजेस एंड पैराग्राफ दे चेंज द टॉपिक. कुछ ऐसे वर्ड्स को जो टॉपिक वर्ड्स को चेंज करते हैं, पैराग्राफ्स को चेंज कर देते हैं, उन वर्ड्स को ढूंढिए, उन पैराग्राफ्स को ढूंढिए. रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर टेक्स्ट और द लास्ट सेंटेंस इन ईच सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लॉन्ग पैराग्राफ है तो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को पढ़िए और हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस को पढ़िए, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में उस पैराग्राफ की रहता है कि किस किस चीज के बारे में उसमें लिखा जाएगा. मॉनिटर इफ यू हैव मिस्ड एन आइडिया बैकअप एंड रीड. अगर आपको कोई आइडिया है तो उसको बैकअप पर दोबारा पढ़ो, रीरीड करो. पे अटेंशन टू वोकैबुलरी, कलेक्ट न्यू वर्ड्स इन अ नोटबुक स्पेशली फॉर दैट पर्पस. लुक अप द न्यू वर्ड इन डिक्शनरी एंड स्टडी इट्स मीनिंग. ट्राई टू फिट द राइट सिनोनिम इनटू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. इट इज गुड आइडिया टू लर्न द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एट द सेम टाइम. रीडिंग फॉर वोकैबुलरी इज वेरी गुड इन इम्प्रूविंग योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अब आप कई बार ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो एक नोटबुक रखिए, उसमें उन वर्ड्स को उसमें कॉपी करते जाइए. और जब आप उसका सिनोनिम लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग उसका ऑपोजिट भी संग संग लिखो, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत तेजी से बढ़ेगी. अभी मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रही हूँ वोकैबुलरी के ऊपर, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेस से कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी. व्हेन यू आर बिल्डिंग योर वोकैबुलरी कॉन्सेंट्रेट ऑन रूट प्रीफिक्स एंड एंडिंग्स. यही मेरा उसमें टॉपिक्स रहेंगे कि रूट वर्ड्स क्या हैं, प्रीफिक्सेस क्या हैं, एंडिंग्स क्या हैं, इसको देखो. दिस विल हेल्प ट्रिमेंडसली टू रिकॉग्नाइज न्यू वर्ड्स यू विल कम अक्रॉस. जो जो नए नए वर्ड्स आएंगे उन सबको आप समझने में आपको बहुत आसानी होगी. आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन अबाउट ईच पैराग्राफ, राइट द आंसर डाउन इन द हर क्वेश्चन पे अपने आप से क्वेश्चन करिए, खुद ही क्वेश्चन करिए, व्हाई व्हेन व्हाट वेयर, और उसके आंसर लिखिए. मूव अहेड ऑन योर ओन रीडिंग एज मच एज पॉसिबल इन द न्यू लैंग्वेज. Broaden your background knowledge by reading as many magazines, newspaper and books that you possibly can. अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, वाइडन करिए, मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, बुक्स. आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है आपके मोबाइल के अंदर. अगर आप जब आप भी फ्री हो तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय कोई मैगजीन खोल लो, कोई न्यूज़पेपर खोल लो, कोई बुक्स खोल लो, उसको बैठ के पढ़ो. गेट टुगेदर विद क्लासमेट एंड डिस्कस रीडिंग मटीरियल. आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, मैं क्या पढ़ूँ, आप आपस में कर सकते हो. ये इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन करने के बेस्ट वेज हैं. ये जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई हैं, ये सब गुरु मंत्र हैं आपको अपनी रीडिंग सुधारने के लिए. अब मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है, पहले आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है. इन क्वेश्चन को आप अच्छे से जब पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा. जैसे इट इज क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट डॉल्फिन्स डोंट वॉन्ट टू बी विद अस एज मच एज वी वॉन्ट टू बी विद देम, है ना. ये कुछ मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें में आ गया कि डॉल्फिन के बारे में है इस पैराग्राफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं. और उसमें कुछ है, आप प्रोवन टू बी लेस इंटेलिजेंट देन पंस, उसकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. हैव अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग फ्रेंडली टू ह्यूमन, उनकी रेपुटेशन दोस्ताना की है ह्यूमंस के संग. आर द मोस्ट पावरफुल क्रीचर दैट लिव्ड इन द ओशन, आर केपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस. अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें डॉल्फिन के बारे में इनमें से कोई एक बात कही गई है. तब आपने बिना पैराग्राफ पढ़े आपको कई सारे क्वेश्चंस के मालूम होंगे कि किसके बारे में है, डॉल्फिन्स के बारे में है. डॉल्फिन्स के बारे में क्या क्या है, कि डॉल्फिन इंटेलिजेंट होती हैं या डॉल्फिन ऐसी हैं या डॉल्फिन ऐसी, जो भी है इतनी चीज तो आपको मालूम पड़ गई ना बिना पैराग्राफ ही पढ़े. द फैक्ट दैट द राइटर ऑफ द पैसेज थिंक्स दैट वी किल डॉल्फिन मोर इजीली देन कैन दे कैन किल अस, यानी इसमें फैक्ट राइटर जो पैसेज में ये सोचता है कि हम डॉल्फिन को इजीली मार देते हैं, जैसे कि वो हमको देन दे कैन किल अस, यानी वो हमें नहीं मार सकते, हम उन्हें आसानी से मार लेते हैं. ये आइडिया भी है इसमें, यानी इस पैराग्राफ में ये चीज के बारे में भी है. अब आप इसमें इसका देखेंगे कि ये ए बी सी डी ई इन चारों में से कौन सा करेक्ट है. जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आपको आपका गोल मिल गया ना रीडिंग का, कि हमें ये रीडिंग का गोल है, ये रीडिंग का गोल है, हमें इसके हिसाब से पढ़ना है. अब आप देखो, वन कैन इन्फर अबाउट द रीडिंग दैट, इन्फर माने इससे पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द डॉल्फिन्स आर अबंडेंट, कम्युनिकेशन इज मोस्ट प्रेजेंट. तो आपको पूरा इसका रीडिंग का ये एक इन्फेरेंस निकालना है. तो आपके पास तीन क्वेश्चन आपने पढ़ लिए. अब जब आपने तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए, इसके बाद आपने पैराग्राफ रीडिंग, अब ये आपका पैराग्राफ है. अब आप जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे
तो आपको वो जो 3 क्वेश्चन है उनको गोल में रख के पढ़ना है कि हमें उनके आंसर देने हैं। अभी आपका मकसद एग्जाम का ये है, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। डॉल्फिन आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रीचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड। They look after dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these dolphins be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us. Is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. अब आपने एक बार पैराग्राफ को पढ़ा, आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, और आपको कई बच्चों को तो पढ़ते पढ़ते में ही अपने आंसर्स मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार फिर से रीड करिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर से इसको पढ़िए, और आप देखिए कि आपको पता लग जाएंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको नहीं आ रहे होंगे, जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, और वो आएंगे ही, ऐसा ही आएगा एग्जाम में, जैसे नीडिंग वर्ड्स है ना, तो आप अंदाज लगाइए ना इसका क्या मीनिंग होगा, थोड़ा सा आपको अंदाज भी लगाना पड़ेगा मीनिंग का, और इस तरह से आप जब इसको रीड करेंगे तो आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक लगा रखा है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हो गया, ओके। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हमारे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मोड में है इसलिए ये बैक नहीं जाएगा अभी, बाकी आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर्स भी इसमें मिल जाएंगे। एक स्लाइड के ऊपर मैंने यहाँ कोने में पेस्ट कर रखे हैं, तो आप लोग उन आंसर्स को देख के अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए, और डेली मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के लिए दूंगी, एंड यू रीड दैट कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस व्हिच आर गिवन एंड रिमेंबर द स्ट्रेटजीज व्हिच एवर आई हैव टॉट यू इन दिस वीडियो। सो थैंक यू एंड आई होप दैट एवरीवन दिस। सो माय अपकमिंग वीडियोस ऑन स्पोकन एंड लिसनिंग स्किल्स, कीप वॉचिंग देम, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।